देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से अब ये फैसला दे दिया है कि इंपेरिकल डेटा के बारे में जो केंद्र सरकार की ओर अंगुली निर्देश किया जाता था वो डेटा इस ट्रिपल टेस्ट के काम का डेटा नहीं है, वो डेटा नहीं दिया जा सकता। ट्रिपल टेस्ट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बताई है ओबीसी आरक्षण के लिए, उस ट्रिपल टेस्ट के लिए जो डेटा है वो जो हमारा राज्य मागा स्वर्ग आयोग है उसने तैयार करना है, बैकवर्ड क्लास कमीशन ऑफ द स्टेट। और बैकवर्ड क्लास कमीशन के साथ जो बैठक सीएम साहब डीसीएम साहब और मैं थे उस समय, उन्होंने हम एक महीने में भी इसको कर सकते ऐसा कहा था, लेकिन दो साल तक राज्य की सरकार ने केवल केंद्र सरकार की ओर उंगली दिखाते हुए और इसको इसमें टालमटोल की, और उसके कारण आज ओबीसी का आरक्षण गया है, ओबीसी का आरक्षण नहीं है। और विशेष रूप से अभी 105 नगर पंचायत और 2 जिला पंचायत के चुनाव में एक भी ओबीसी की सीट रिजर्व नहीं रहेंगी, उसको विदाउट ओबीसी आरक्षण आप इसका इलेक्शन कंडक्ट करो, ऐसा आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज राज्य सरकार की ओर से पहले कहा गया हम 6 महीने में डेटा तैयार करेंगे, फिर कहा 3 महीने में करेंगे। अब आपने जब सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा 3 महीने में करेंगे तो सोच समझ कर ही कहा होगा फिर 2 साल आपने क्यों नहीं किया, ये भी सवाल उठता है। 2 साल आप ये कर लेते तो आज ये परिस्थिति नहीं आती, लेकिन अब हमारी मांग है कि 3 महीने में इसको कंप्लीट कीजिए और उसको नोटिफाई करके ओबीसी आरक्षण के साथ ही आगे के चुनाव लीजिए, आगे के चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना हम मंजूर नहीं करेंगे। समन्वय का अभाव था इस वजह से नौबत आई है, देखिए कोई उनमें कोई समन्वय ही नहीं दिखता। जब हम लोग भी सत्ता में थे तो 50% से ऊपर आरक्षण के ऊपर एक केस हुई थी, उस समय हमने चंद्रशेखर बावनकुळे हमारे जो मिनिस्टर थे पंकजा मुंडे जी, हमारे संजय कुटे जी, हमारे राम शिंदे, इनकी कमेटी तैयार की थी, इस कमेटी ने पीछे लगकर उस समय उसको भी सेव किया था। उसके बाद ये सरकार आई, ये सरकार के आने के बाद 50% के ऊपर का तो छोड़ दीजिए, लेकिन अंदर का जो 27% जो अधिकार से मिलता है। और देखिए मैं वापस एक चीज बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रद्द नहीं किया है, स्टैंड डाउन किया है, आप टेस्ट कंप्लीट करो तो आरक्षण आपको मिल सकता है।